राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। ये थी शीला, जो हर काम करते हुए बस एक ही चीज बोलती रहती थी, राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। शीला अयोध्या नगरी के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका एक बेटा और उसके पति, उसका परिवार खुशहाल था। वह बहुत बड़ी राम भक्त थी। एक दिन वह घर में काम करते हुए राम आएंगे ऐसा कह रही थी। फिर उसके पति ने उससे कहा, शीला तुम हर वक्त ये क्या रट लगाए रहती हो कि राम आएंगे राम आएंगे। शीला तुम सबरी नहीं हो जो राम तुम्हारे घर आएंगे। यह कलयुग है शीला। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, राम आ रहे हैं ना। राम अयोध्या मंदिर बनने के बाद मंदिर में आएंगे, तो क्यों मेरे घर नहीं आ सकते हैं, वो मेरे घर भी आएंगे। ऐसा कहने के बाद वो बाजार चली जाती है और मन ही मन, राम आएंगे राम आएंगे राम मेरे घर आएंगे। रास्ते में पड़ोस के शर्मा जी के बेटे और बहू उसको देख रहे होते हैं। बाद में उनके बहू से रहा नहीं जाता है। फिर वो बोलती है, भाभी उस दिन मैं आपके घर गई थी तो आप किचन में भी यही बात कह रही थी, अभी रास्ते में चलते हुए भी यही बात कह रही है, राम आएंगे राम मेरे घर आएंगे, इसका क्या मतलब है भाभी। वह हंसते हुए व्यंग पूर्वक उनसे कहती है, लेकिन शीला पे कोई असर नहीं होता है। वो उनको देखती है और फिर अपने रास्ते चल देती है। उसको जो लेना होता है बाजार से वो लेती है और फिर घर आ जाती है, बस एक ही चीज को जपते हुए, राम आएंगे राम आएंगे। घर आने के बाद उनका बेटा रोहित बोलता है, मम्मी आप मेरा शूज नहीं लाई, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ मेरे लिए शूज लाइए, आपको याद ही नहीं रहता है। आपको तो बस एक ही बात याद रहता है हर वक्त, राम आएंगे, पता नहीं आपको क्या हुआ है मम्मी। फिर शीला उसको समझाते हुए बोलती है, बेटा मैं कल आपका शूज ला दूंगी, आप परेशान मत हो। और हाँ बेटा, मैं क्या कर रही हूँ, इसके चक्कर में आप लोग क्यों रह रहे हो। राम आएंगे ऐसा मैं कहती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है बेटा। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन रोहित मन ही मन यही सोचता रहता है कि मम्मी को पता नहीं क्या हुआ है। शीला अगले दिन अपने पति से अपने मन की बात कहती है, मेरा भी मन है राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है देखने जाने का, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना। यह सुनते ही उसका पति हंसने लगता है और कहता है, शीला तुम्हें क्यों जाना है मंदिर में दर्शन करने, तुम तो दिन रात एक ही चीज कहती हो, राम आएंगे, तो बुला लो अपने राम को अपने घर, मैं नहीं ले जा रहा हूँ मंदिर। यह सुनते ही शीला की आंखें भर आती है और वहाँ से चुपचाप वो सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तभी रोहित बोलता है, पापा आपने मम्मी को दुखी कर दिया ना, अब वो रोएगी बहुत देर तक फिर सोएगी। आपको पता नहीं है राम के बारे में कोई भी बुरा बोलता है तो मम्मी को बहुत बुरा लगता है, उस दिन मैंने भी बोल दिया था, मैं जा रहा हूँ मम्मी से सॉरी बोलने। चुपचाप चल सोचा, तेरी मम्मी और तू, इतना तेरी मम्मी को बुरा लगता है, वो पागल हो गई है राम नाम के पीछे, राम आएंगे वो अपने आप को खुद सबरी समझ रही है, उसको पता नहीं है इस कलयुग में राम किसी के यहाँ नहीं आते हैं, बस मंदिर में ही उनकी पूजा होती है। उसके बाद फिर जाकर दोनों सो जाते हैं और इधर शीला भी उदास मन से राम राम करते सो जाती है, उसको बहुत बुरा लगता है उसके पति की बात। तभी अचानक, बेटी उठो उठो, देखो उधर आग लग गया है, तुम्हारे घर के पीछे आग जल रहा है, उठो बेटी। अरे रेरी कहाँ आग लगा है, आपको कैसे पता। वो भागते हुए आग आग चिल्लाते जाती है और देखती है सच में आग जल रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद देखती है कि पड़ोस का शर्मा जी का बेटा आग बुझा रहा है, वह आग बुझाने वाला गाड़ी चलाता था। आग बुझने के बाद शर्मा जी के बेटे को धन्यवाद देने के बाद सब घर में आते हैं। तो आपको पता है मैं जब सोई थी तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे जगाने आया था, वही बोला जी बेटी उठ, देख तेरे घर के पीछे आग लगा है, लेकिन वो आदमी कहीं दिखा नहीं, पता नहीं कौन था। अरे रोहित के पापा ये देखिए, ये क्या दिख रहा है,
अरे मेरे राम ही थे वो, मेरे राम मेरे घर आए थे। ये चरण पादुका देखिए, ये मेरे राम के ही चरण पादुका है। चरण पादुका देखते ही सब दंग रह जाते हैं और सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और शीला जाती है चरण पादुका के पास बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए कहती है, हे राम मैं धन्य हो गई आप मेरे यहाँ आए। उसके बाद वह चरण पादुका को राम का स्वरूप समझकर घर में रखती है और पूजा पाठ करती है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन धूमधाम से घर को अपने दिवाली के जैसे सजाती है। जय श्री राम।